समय में ठाकुर जी के उसने नाम लिया, बोले बाप जिंदगी भर पाप करो और मरते समय एक बार नाम ले लिया, हो जाएगा। तब विष्णुदूत तो कहते हैं तुम्हें क्या पता है भगवत नाम में कितने शक्ति है? कितने शक्ति भगवत नाम में। कहते जब उसने अपना बेटा का नाम नारायण रख लिया था उसी समय में ही उसका सारे पाप खत्म हो गया था। लेकिन जो बेटे को उसने बारंबार बेटा नारायण इधर आ बेटा, नारायण पानी ले आ, नारायण मेरे गोद में आ, उसने जो नारायण नारायण बारंबार उसने बोले, जैसे हम माला जप करते हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जैसे हम माला जप करते हैं उसको ऐसे हो गया। जो बारंबार अपना बेटे को उसने जो बुलाया और जो अंतिम समय में जो उसने भगवान का नाम को ग्रहण किया, नारायण नाम लिया, ये भगवान की विशेष कृपा है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बले जनमा जनमा मोनि जता न कराए, जनमा जनमा मोनि जता न कराए, जनमा जनमा मोनि जता न कराए, अंतरा कहते हैं जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंतराम कहीं आवत नहीं। मतलब है जब कथा शुरू होना उसको पहले सारे काम को कथा को बीच में तू सामने बैठा है ना इधर उधर कर बैठ चुपचाप। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं जन्म जन्म तक जतन करने पर भी अंतिम समय में भगवान के नाम नहीं निकलता। हमारे देश में एक बूढ़ी माता जी अंतिम सज्जा में लेटा हुआ दयारे मैयारे कर रही थी, बोल रहे थे बेटी को देख लेना, बेटा को देख लेना, सारे संपत्ति बच्चों में बांट लेना। बच्चों ने कहा माता जी चिंता मत करो हम सब कर लेंगे, लेकिन एक बार राम राम एक बार राधे राधे कृष्ण कृष्ण तो बोलो। वो माता जी कहती है मैं इतना बोल नहीं सकती हूँ, मैं इतना बोल नहीं सकती हूँ। 10 अक्षर बोल दिया लेकिन मुंह से राम 2 अक्षर नहीं निकला। उसमें एक नाती था वो बड़ा समझदार था, वो सोच रहा था किसी तरह से दादी की मुंह से एक बार प्रभु का नाम निकले। उसने पूछा दादी जी आप क्या नहीं बोल सकती हो? वो सोच रहा था कम से कम बोलेगी राम राम कृष्ण कृष्ण नहीं बोल सकती हूँ। बोले तू जो बुलवाना चाहता ना मैं वही नहीं बोल सकती हूँ, और सारे बात का तो मैं बोल सकती हूँ लेकिन तू जो बुलवाना चाहते हो मैं केवल वही नहीं बोल सकती। इसका मतलब है जो पापी लोग थे ना उनको मुंह से भगवान के नाम नहीं निकलता है। देखना दिन भर बैठ कर बकबक बकबक करते रहेगी, उसकी बहू ऐसे किया, उसकी बेटी ऐसे किया, उसको घर में ऐसे हो रहा है, देखना सारा दिन बकवास करेगा लेकिन बोलेगा भाई बैठ के माला करो हरे कृष्ण, वो नहीं निकली उस मुंह से प्रभु का नाम नहीं निकला। बोले क्यों? बोले पापी है, वो पापी का मुंह से भगवान का नाम ही नहीं निकलता है, हैं? इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंतराम कहीं आवत नहीं, जतन करने पर भी अंतिम समय में भगवत नाम आना कठिन। ये एक अर्थ है। देखो उसका दूसरा अर्थ सुनो, गोस्वामी जी एक श्लोक में उसका डिफरेंट मीनिंग बताते हैं। कहते जन्म जन्म मुनि जतन कराए, कोई कहते हैं ना
अरे बचपन से भजन करने का क्या जरूरत है, जब बूढ़ा बूढ़ी हो जाएंगे ना, रिटायर्ड लाइफ हो जाएगा है, जब रिटायर्ड लाइफ हो जाएगा तब तो एक दो माला कर लेंगे, अभी से इसको हरे कृष्ण करने का क्या जरूरत है। बोले नहीं ऐसे नहीं, रील में जो भरोगे ना वही तो निकलेगा ना, रील में अगर जिंदगी भर कचड़े भर देंगे फिर भगवान के नाम कैसे निकलेगा। इसलिए कहते बचपन से, इसलिए प्रहलाद ने कहा कौमार आचरित प्राज्ञम, जो बुद्धिमान है उनको बचपन से 5 साल उम्र से भक्ति करना शुरू कर देंगे। 5 साल उम्र से, बच्चों ने पूछे 5 साल से क्यों करेंगे, जब बड़े हो जाएंगे करेंगे, अभी से करने का क्या जरूरत है। प्रहलाद ने कहा तुम्हारे पास में कोई गारंटी कार्ड रखा हुआ है, इतना साल तक जिंदा रहेंगे, कोई गारंटी कार्ड क्या है तुम्हारे पास में, अगर बड़े होने से पहले अगर राम नाम सत्य हो गया तो, अगर शरीर छूट गया तो। तब बच्चों ने कहा अगली जीवन में करेंगे, अगली जीवन में भजन करेंगे। बोले दुर्लभम मनुष्य जन्मम, ये मानव शरीर भगवान बारंबार तुम्हें नहीं देते हैं, ये बारंबार मानव शरीर हमें भगवान नहीं देते हैं, इसलिए भगवान उद्धव जी को कहते हैं लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुसं भवन्ति, ये मानव शरीर कहते दुर्लभ नहीं सुदुर्लभ, मतलब सहज में ये मानव शरीर हमें नहीं मिलता है, ये मानव शरीर सहज में नहीं, इसलिए सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा, ये मानव शरीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। और दूसरी प्यार में भगवान कहते हैं बोले साधन धा मोह मोक्ष कर द्वारा, साधन धा मोह मोक्ष कर I'm gonna make it.
अनुग्रह आनंद दे रहे हैं। इसलिए यदि मानव शरीर भगवान बारंबार नहीं देंगे, इसलिए क्या करनी चाहिए, जितने जल्दी होनी चाहिए। बोले तृणम, तृणम मतलब क्या है, हैं? तृणम मतलब होता है अभी से, कल से नहीं। किसको बोलना, भजन कर, बोले थोड़ी हम मर रहे हैं, कर लेंगे भक्ति, अभी इतना जल्दी क्या करने का। तब भगवान कृष्ण कहते बोले तृणम, तृणम मतलब क्या है, जल्दी से जल्दी भजन करो, कल से नहीं। इसलिए कल कर सो आज करो, और आज कर सो अब, क्योंकि पल में प्रलय होएगी, हैं? इसलिए भजन जितने जल्दी हो, भगवान के दूसरे काम को ना, कृष्ण कहते हैं विषय खलु सर्वत्र स्यात्। मतलब क्या है, हम जो काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, चार ही काम कर रहे हैं, आहार निद्रा भय और मैथुन, खाना सोना, बच्चों को जन्म देना और मर जाना है। कहते ये काम तो हर जीवन में करते करते आए, अगर किसी जीवन में फिर उसी में अगर लग गया तो फिर गया जीवन। इसलिए वो काम को पीछे रख लो, वो काम को पीछे रख लो, रख करके क्या करो, जितना जल्दी हो भगवान के भजन में हमें लग जानी चाहिए। इसलिए यहाँ पर है, यहाँ पर श्री जमदूत विष्णुदूत में लड़ाई हुई, बोले उसने भगवान के नाम लिया अंतिम समय में। बोले भगवान का नाम कब लिया, वो तो बेटा को बुलाया था, उसने तो बेटा को बुलाया था, भगवान का नाम कब लिया। तब विष्णुदूत कहते हैं भगवान का नाम चार तरह से कल्याण करता है। बोले कैसे कैसे, बोले संकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलने नविवा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अगहरम पितु। पहला नंबर है सांकेत्यम। सांकेत्यम का मतलब होता है इशारा करके, संकेत करके, जैसे बच्चा का नाम रख दिया कृष्ण, गोविंद, दामोदर, हैं? बच्चे का नाम भगवान के नाम पर रख लिया, बारंबार बुला तो बोले कन्हैया आजा, राम आजा, नारायण आजा, इसको कहते हैं सांकेत्यम। इसको द्वारा भी जीव का कल्याण होता है। इसलिए पहले पहले बच्चे लोग हमारे भारत में, इधर भी सब, आप तो सबको भारत है, सबके सब, इसलिए सबके सब राम कृष्ण दामोदर भगवान का नाम रखते थे। क्यों, कम से कम बेटा का नाम बारंबार लेते लेते उसी में ही हमारे कल्याण हो जाएगी, हैं? लेकिन अभी क्या हो रहा है, सब हमारे भारतीय लोग है ना, सब अपना संस्कृत को भूल करके बच्चे का नाम टिंकू टुन्नू टिल्ली बोलू और जितने सब सब कुत्तों का नाम सुन कर दिए, हैं? सब विदेश में कुत्तों का नाम सुन लिए, कहते हाँ बच्चा का नाम भगवान का नाम कैसे रख लेंगे, हैं? उसको पहले पहले था, अभी तो हम मेडल जो के हो गए, अभी तो अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, हम तो सब अंग्रेजी नाम देंगे, नहीं, अपना संस्कृति के हिसाब से अपना बच्चों का नाम भगवान का नाम रखो, हैं? इसलिए बोले सांकेत्यम। दूसरा बोले पारिहास्यम। पारिहास्यम मतलब अगर हंसी दिलक करते करते अगर नाम ले लिया, हरे कृष्ण कृष्ण करने से क्या होता है, राम राम करने से क्या होता है, हैं? इसलिए इसी में भी कल्याण हो जाता है, हैं? इसलिए महाप्रभु का एक भक्त था जिसका नाम था गदाधर, वो गदाधर दास है, एक गदाधर पंडित और एक गदाधर दास। जब श्री महाप्रभु आए, सबको उन्होंने हरि नाम दिया, सबको उन्होंने भगवत नाम दिया, लेकिन उस समय एक मुसलमान था, वो वही केवल हरि नाम नहीं ले रहा था। इतने में गदाधर जो दास था सवेरे सवेरे पहुंच गया, बोले बाहर निकलो, महाप्रभु आकर के सबको भगवान का नाम देकर सबका कल्याण किया, लेकिन तू एक रह गया जो भगवान का नाम ले, निकलो बाहर। हाँ, वो बाहर निकला, बोले बोलो कृष्ण, बोलो बोल कृष्ण, बोले कृष्ण में कल बोलूंगा, कृष्ण में कल मैं कृष्ण बोलूंगा, बोले अभी तो कृष्ण बोल दिया तेरा कल्याण हो गया, हैं? अभी तुमने कल क्यों, आज ही तुमने कृष्ण बोल दिया। इसलिए कहते भगवान के नाम अगर परिहास पूर्वक अगर कोई प्रभु का नाम लेता है उसमें भी कल्याण होता है। बोले एक समय एक घर में दो भाई रहते थे, एक भाई तो बड़ा नास्ती और एक बड़ा आस्ती, हैं? मतलब एक मानता नहीं और एक मानता है। अभी जो मानता है उसको तो पता भगवान का नाम में कितने मीठा है,
कितने शांति मिलता है। लेकिन जो है इसलिए जो मानता नहीं वो भजन नहीं करता। एक दिन गुरु जी को उसने बुलाया, बोले गुरुदेव एक दिन हमारे घर में आओ, और मेरा जो छोटा भाई है ना वो भजन नहीं करता, भक्ति नहीं करता, उसको तरह समझाना। जैसे दो भाई एक घर में रह रहे हैं, अगर दोनों भजन करेंगे तो दोनों का भी कल्याण होगा ना, फिर एक रास्ता पर हम दोनों ही चलेंगे। तब गुरु जी आए, उसको पता चला कि गुरु जी को बुला रहा है। बोले गुरु जी को क्यों बुला रहा है, मेरे को समझाएंगे भजन करो। बोले मैं बैठूंगा नहीं, भजन क्या करें, समझाएंगे कि। जब देखा गुरु जी घर में आए ना, और गुरु जी को देख रहे उसने बाथरूम में चला गया और अंदर से ही कुंडी बंद कर दिया, मेरे को बैठना नहीं, मेरे को क्या गुरु जी समझाएंगे। तो गुरु जी आए, कीर्तन किया, कथा किया। बोले जिसके लिए आया था वही बाथरूम में बंद है। गुरु जी जाते समय दरवाजा खटखटाया, बोले बेटा थोड़ा बाहर आ। बोले मैं बाहर नहीं आता। बोले बेटा एक बार तो आ जा, एक बार तो निकले। बड़े कष्ट से दरवाजा खोले तो गुरु जी हाथ पकड़ ली। बोले बेटा एक बार कृष्ण बोल, एक बार तो कृष्ण बोल। बोले मैं कृष्ण नहीं बोलता हूँ। बोले कृष्ण मैं नहीं बोलता हूँ। बोले तू तो कृष्ण बोल दिया। बोले देख बेटा, एक जो कृष्ण नाम तुमने किया इससे तुम्हारी उद्धार हो जाएगी, लेकिन एक काम करना, ये कृष्ण नाम को भी बेचना नहीं। बोले ठीक है गुरु जी। गुरु जी चले गए। कुछ दिन बाद में मृत्यु हुई। अभी उसको जमदूत पकड़ करके ले गए। जम महाराज चित्रगुप्त को बोले कापी खोलो, कापी खोले। बोले देखो कितने पाप और पुण्य। बोले ये तो बड़ा नास्तिक था, वो भगवान 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 कुछ नहीं मानता था, भक्ति भक्ति नहीं करता था। बोले देखो तो थोड़ी बहुत तो होगा। बोले हाँ, इसकी थोड़ी सी पुण्य है, इनके गुरु जी आए थे घर में, और गुरु जी इसको बोले एक बार तो कृष्ण बोल, और गुरु जी की मुंह से सुन कर तो उसने एक बार कृष्ण बोला। अब गुरु जी ने कहा अगर ये कृष्ण नाम को तुम नहीं बेचोगे, ये कृष्ण नाम से तेरा उद्धार होगा। उसने बेचा नहीं कृष्ण नाम को, बेचा समझना चाहते हो, ये चीज को देकर दूसरा चीज लेना है ठाकुर जी। इसलिए हम कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं, ठाकुर जी मेरे को ये दे देना, ठाकुर जी इसको कहते बेचना। इसलिए ये बेचा भी नहीं, एक कृष्ण नाम क्या गुरु जी से मुंह से सुन करके, शुद्ध भक्त का मुंह से सुन करके, मानो एक तरह से कृष्ण नाम का मंत्र उसने लिया है। तब उसको बोले, बोले बताओ तो पहले एक कृष्ण नाम का पुण्य लोगे ना, पाप का फल लोगे। उसको याद आया गुरु जी ने कहा था अगर ये कृष्ण नाम को नहीं बेचोगे तेरे को मुक्ति, तेरे को भगवत प्राप्ति होगी। उसने कहा मैं तो बेचा ही नहीं। बोले भैया मेरे को एक कृष्ण नाम का फल दे दो। जब महाराज फिर कापी खोले, भागवत को खोले, पुराण को खोले, सब शास्त्र को खोले। जब उन्हें शास्त्र खोले, शास्त्र में कह रहा है हरि से बड़ा हरि का नाम है, हरि से बड़ा हरि का नाम है। बोले सुपाच अपि महिपालो कृष्ण विष्णु भक्ति दिजाधिको। अगर चंडाल क्यों नहीं हो, कुत्ते को खाने वाले क्यों नहीं हो, इसलिए अगर भगवत नाम ग्रहण करता है, बोले एक पाप नहीं जन्म जन्मांतर की सारे पाप उसकी नष्ट हो जाता है। बोले मधुरम मधुरम तत् मंगलम मंगलानाम सकल निगम बलि सत्फल चिति स्वरूपम सकृदपि परिगीतम श्रद्धया हलया वा भृगुवर नर मात्र तारेत कृष्ण नाम। एक कृष्ण नाम अगर किसी ने किया तो कहते सारे मीठे से भी मीठा, मधुर से भी मधुर, सारे शास्त्रों का निचोड़ ये हरे कृष्ण महामंत्र। अगर किसी तरह से भगवत नाम कोई उच्चारण करता है उसको सारे पाप नष्ट हो जाता है। अभी तो जब महाराज का दिमाग ही काम नहीं किया है, जब महाराज का दिमाग ही काम नहीं किया, अभी उसको क्या फल दू, क्योंकि भगवान का नाम भगवान से भी बढ़ करके उनको बुद्धि काम नहीं किया। बोले काम करो, चलो हम चलते हैं ब्रह्मा जी को पास में, क्योंकि जगत का सृष्टि करता ब्रह्मा, ब्रह्मा जी बताएंगे एक कृष्ण नाम का क्या फल है। जब उसको बोले चलने के लिए, बोले भैया मैं नहीं, ऐसे नहीं चल सकता, मेरे के लिए पालकी मंगाओ, मेरे के लिए रथ पालकी मंगाओ, फिर उसमें मेरे को ले चलो। अभी जब महाराज तो फंस गए, एक तरफ में जब महाराज
दूसरे तरफ में चित्रगुप्त दोनों कंधे पर लगा लगा करके जब ब्रह्मलोक में ले जा रहे थे, ब्रह्मा जी देखा भैया ये कौन सा पुण्यात्मा जिसको स्वयं चित्रगुप्त और जम कंधे पर ला रहे, जरूर कोई पुण्यात्मा होगा। उन्होंने थाली में ना आरती लेकर के खड़े हुए उनको स्वागत करने के लिए। जब वहां पर पहुंचे ब्रह्मलोक में, बोले भैया ये पुण्यात्मा कौन है, किसको लेकर के आए हो? बोले ये पुण्यात्मा नहीं, ये पापात्मा है। बोले फिर आप कंधे पर क्यों ला रहे? बोले फंसा दिया। कहते गुरु जी के मुंह से एक बार कृष्ण नाम सुना तो बोले इसका फल दो, हमने सारे शास्त्र ढूंढ लिया, कहते हरि से बड़ा हरि का नाम है, इसलिए आप ही बताओ। नारद भी सारे वेद पुराण को ढूंढे, उनको भी यही बात मिला, हरि से बड़ा हरि का नाम है। बोले एक कृष्ण नाम जब तो पाप हरे, पापी रस साधन आई तब तो पाप करे। मतलब एक कृष्ण नाम इतने पाप को ये नष्ट करता है, किसी पापी का हिम्मत नहीं उतना पाप कर सके। उदाहरण दिया जैसे रुई का ढेर हो, नहीं तो भूसा का ढेर हो, अगर उसमें आग की एक चिंगारी पड़ जाए ना, वो जला करके सबके सबको जला करके वो नष्ट कर देता है। इतना शक्ति भगवत नाम में, इतने शक्ति। अभी भैया ब्रह्मा का बुद्धि भी काम नहीं किया, बोले भैया फिर किसको पास में चले? बोले शंकर जी को पास में चलो। शंकर जी वैष्णव नाम जथा संभु, वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ। इसको बोले चलो, बोले चल करके नहीं, कंधे में ले जाना पड़ेगा। ब्रह्मा भी कंधे लगाए। जब शिव लोक में जा रहे थे, शंकर पार्वती दूर से देखे, बोले भैया ये कौन सा पुण्यात्मा जिसको कंधे पर ला रहे हैं? शंकर पार्वती की भी आरती की थाला लेकर के वो भी खड़े रहे स्वागत के लिए। जब वहां पर पहुंचे, बोले भैया ये कौन सा पुण्यात्मा है जिसको आप लोग कंधे पर लाए? बोले पुण्यात्मा नहीं, ये पापात्मा है। बोले कंधे पर क्यों लाए? बोले हमको फंसा दिया। शंकर जी को बोले, शंकर जी भी सारे वेद उपनिषद को ढूंढे, शंकर जी को भी एक ही बात मिला। शंकर जी का दिमाग में काम नहीं किया, बोले भैया किसको पास में चले? बोले जिनका नाम है ना उनको पास में चलो। अभी बोले इसको बोले चलने के लिए, बोले चल करके नहीं, कंधे लगाना पड़ेगा। शंकर भी कंधे लगाए, शंकर जी ब्रह्मा जी चित्रगुप्त और उसे जब महाराज जब लेकर के वैकुंठ भगवान धाम में पहुंचे, भगवान ने कहा भैया क्या बात है, तुम लोग सब कंधे पर लाए हो? बोले ये हमें फंसा दिया बीच में। बोले कैसे? बोले गुरु जी की मुंह से एक बार कृष्ण नाम सुने और गुरु जी बोले अगर कृष्ण नाम को नहीं बचोगे तो तुमको भगवत प्राप्ति होगी, ठाकुर जी आप ही बचाओ। हमने सारे ग्रंथ वेद पुराण को हमने छान डाले, लेकिन हमको एक ही चीज मिला, नाम चिंता मणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम नामिनः। भगवान का नाम चिंता मणि जो मांगोगे वही मिलेगा। रस स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप भगवान का नाम है और हरि से बड़ा हरि का नाम है। अभी बोले ठाकुर जी आप ही बताओ, आप नाम करने का क्या फल? साधु का मुंह से सुनने का, बोले इसको लेकर के आ जाओ। जो लेकर के आए और ठाकुर जी इसको लेकर के अपना गोद में बैठा दिया। बोले प्रभु बताओ ना क्या फल? बोले इसका फल यही है, अगर एक कृष्ण नाम अगर शुद्ध साधु की मुंह से कोई सुन करके किया तो उसको स्वयं जब, स्वयं चित्रगुप्त, स्वयं ब्रह्मा और स्वयं शंकर जी को भी कंधे पर लेकर के उसको गोलोक वृंदावन ले आना पड़ेगा और एक दिन वो मेरे गोद में उसका स्थान मिलेगा। बोले श्री हरि नाम संकीर्तन की, बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की। इसलिए क्या करनी चाहिए? भगवत नाम में, भगवत नाम को जप करनी चाहिए, ठीक है ना? इसलिए बोले सांकेत्यम पारिहासम वा बोले स्तोभम, स्तोभम मतलब होता है स्तुति हैं। जैसे अभी गा रहे थे ना, जय राधा माधव जय कुंज विहारी, जय राधा माधव जय कुंज विहारी, जय गोपी जना बाला
क्या राधा माधव, ये शब्द है राधा माधव, लेकिन जब गाते हैं ना जय राधा माधव खेच जाता है ना, लंबा हो जाता है, लेकिन शब्द क्या राधा माधव, लेकिन भजन गाते हुए राधा माधव लंबा हो गया ना, इसको स्तुति है। कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी, शब्द खेच जाती है, कहते भगवान के नाम अगर स्तुति पूर्वक कीर्तन द्वारा अगर गाओगे तो तब भी कल्याण होने वाले, समझ गए कि नहीं समझ गए। जय जसो मति नंदन ब्रज वर नागर, नाम है जसोमति नंदन, गाते समय जय जसो मति नंदन ब्रज बरना, एक खींच जाता है, इसको द्वारा भी कल्याण करता है। इसलिए संकेत स्तोभम हेला नामे बाबा, अगर अवहेला पूर्वक नेग्लेक्ट पूर्वक भी भगवत नाम को ग्रहण करे, अशेष अगहरम विदो, जन्म जन्मांतर का सारे पाप को भगवत नाम उधार कर देता है। इसलिए पुराण में एक श्लोक बताए, हाँ ध्यान देकर सुनो, उस श्लोक में ये कह रहे हैं कभी ये जीवा हमारी अधीन है, ये जीवा हमारी अधीन है, अधीन मतलब क्या है, अगर जीवा को बोलेंगे कृष्ण कृष्ण बोल, ये जीवा क्या बोलेगा, कृष्ण कृष्ण बोलेगा। ये मन भी हमारा अधीन है, अगर ये मन को समझाएंगे मन तो इधर उधर चीज में मत जाया करो, नहीं जाकर क्या करो भगवान के नाम को जप करो, मन क्या करेगा भगवान नाम को जप करेगा। शरीर भी हमारे अधीन है, लेकिन उस श्लोक में कह रहे हैं बड़े आश्चर्य की बात है, मन भी हमारा अधीन, ये जीवा भी हमारी अधीन, सब कुछ अधीन है, लेकिन तब भी कलयुग में जीव नर्क जा रहे हैं, तब भी कलयुग में जीव नर्क जा रहे हैं, मतलब है हम ये जीवा को भगवत नाम में नहीं लगा करके उसको उल्टा पुल्टा इधर उधर चीज में लगा रहे हैं। इसलिए कहते भैया ये जीवा को है, ये जीवा को क्या करो, इधर उधर चीज में नहीं लगा करके जीवा को क्या करो, भगवत नाम में लगा दो, ठाकुर जी की नाम में ये मन को लगा दो और जीवा को लगा दो, बस भव बंधन से हमारी मुक्ति हो जाएगी। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते तन्नाम, जितने सारे सारे शास्त्र का जो निचोड़ किया है भगवत नाम, ठाकुर जी की नाम, एक बार हाथ उठाकर सबके सब बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी जब प्रभु बताएंगे भगवान के नाम चरण में नाम की ना इतने महिमा नाम जी, की कहते सब शास्त्र को ढूंढो ना, हर शास्त्र में अब की नाम की नाम की नाम की महिमा सब जगह सब शास्त्र से। और तो आप लोग है ना एक एक विजय बन जाओ, आप लोग एक एक विजय बन जाओ, अगर एक एक विजय बन जाओगे ना एक दिन ये संपूर्ण जो हलांड है सचमुच से होली लैंड हो जाएगा। ये हलांड क्या बन जाएगा, ये हलांड बन जाएगी होली लैंड। इसलिए गुरुदेव कहते हैं ये हलांड नहीं है, ये क्या है, होली लैंड है, ये होली लैंड है। इसलिए आप सबके सब कथा सुना और कथा को नोट करो, कथा को नोट करो, और नोट करके आपका जो मित्र है अड़ोसी पड़ोसी क्या करो, सबको भगवान की भजन के बारे में बताओ। इसलिए महाप्रभु कहते हैं जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिसको देखो इधर उधर की बात मत करो, तुमने आज क्या खाना खाया था, कहाँ घूमने गया था, कौन सा फिल्म में गया था, क्या
नहीं। महाप्रभु कहते हैं जिसको देखो उसको कृष्ण के बारे में बताओ, भगवान के बारे में बताओ। हैं भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं आन कथा ना कहिबे, आन कथा ना बोलिबे, जति मिलिबे अने। भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं बोले जब किसी को देखो आन कथा ना कहिबे, मतलब भगवत कथा छोड़ करके और कोई बात नहीं बोलना। आन कथा ना बोलिबे मतलब भगवान की कथा छोड़कर और कोई बात बोलना नहीं। जति मिलिबे अने, अगर किसी दूसरे से मिलते हो क्या करो, आपस में हरी चर्चा करो, भगवान की कथा के बारे में समझाओ, भगवान की भक्ति के बारे में समझाओ, ठीक है ना। बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानति विरंदस्य ज्ञानाञ्जनाश्लोके चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तद्वाणे कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीमसारि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So first of all, I'm paying my unlimited dandavats pranam to my Param Gurudev, Nichalila Vishnupada Sutasita Sri Srimad Bhakti Ranta Narayan Goswami Maharaj and his dear disciple to Om Vishnupada Sutasita Sri Srimad Bhakti Ranta Ban Maharaj, and also to my beloved Siksha Gurudev and his dear disciple Om Vishnupada Sutasita Sri Srimad Bhakti Ranta Sridhar Maharaj, who is present here among us, who mercifully came to Holland for only one goal, to inspire everyone to chant the holy name. This tattva, nam tattva, we are hearing very often, but when we are not getting the taste of chanting the holy name, then we have to consider that we have to hear this tattva again, 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 and again. Somehow or another, by hearing this tattva, one day we will realize that this holy name is our only salvation in our life. This holy name, everything is there. Maharaj has quoted many verses where it is stated, Naam naam akari bahuja nirva sarva shakti, that the Lord infested his name, in his name his total shakti, his power. You can imagine how many shakti, how powerful the Lord is. Still he infested all his power in his name. And only what we have to do is utter his name. But the thing is, we are not getting taste because there are so much fault. That's why in the Srimad Bhagavatam they say kalor dosha nidhi rajan, that in this Kali Yuga there is an ocean of fault. Maharaj has just told us how we are actually understanding that the name, chanting the name is very important, but still we cannot do it as it should be. We don't have the taste because all the faults are there. And what are these faults? All our offenses, what we are making. That's why they say bhakya vihina aparada lakshya chittasakami taranga madhye, that we have committed many offenses, aparada lakshya lakh offenses in all the birds that you have. That's why we are thrown in this ocean, mid of the ocean, and we are suffering. But in this verse it is mentioned, although there are fault, asti ek mahan gun, there is one important quality of this Kali Yuga. Kritayat eva krishnasya,
By chanting the name of who? In Srimad Bhagavatam, they say, chanting the name of Shiva. No, they say Krishna Shiva. And what is the result of that? Mukta Sangha Paravrachit. They say that Mukta Sangha, that we are getting delivered from this ocean of material world. Of all this fault, we can deliver only by chanting this holy name. And not only that, Param Rajet, we will get our residence in Varajadhan, the highest above, through this name. This is our real ticket. So, one can question, we are always quoting many, many verses from different scriptures where Naam Tattva is there. But one time, one devotee came to me. Actually, he was not a neophyte devotee. He said, yes, I'm hearing a couple of years your Harikatha and also the Sadhu's Harikatha. And you are quoting all the names of the Naam Tattva, all the glories. But I never heard, I read this Bhagavad Gita, but where it is stated that we have to chant the holy name? Where? It's a very important question, because we are giving Bhagavad Gita seminar. So where Krishna is saying that we have to chant the holy name? In the Bhagavad Gita. Where? Somewhere. You don't know. Bola? No, in the Bhagavad Gita. We are giving Bhagavad Gita class. It's very important to know. If someone will ask you why you are chanting the holy name, where in the Bhagavad Gita it is stated that we have to chant the holy name? What is our... How we give answer to this? Very important. Bhagavad Gita is the basic. And at this stage in the Bhagavad Gita, everything is there. Everything is there. So we are emphasizing so much on the name. So much on the name. So where you can quote me from the Bhagavad Gita where Krishna is saying this, that we have to chant it. 1866. Harinam is not from Bhagavad Gita. Bhagavad Gita. I'm asking by from Bhagavad Gita. Very important. Because we are presenting the Bhagavad Gita, we are giving seminar. We are all coming to the Bhagavad Gita seminar for how many? 85 years. No. What is that? 1865. So that is thinking. That is thinking of Krishna, giving him respect, become his devotee, uttering prayers to him. But where he's saying that you have to chant his holy name? Where? Sarva Dharma means I have to abandon all the religion. But it doesn't say that we have to chant the holy name. We just abandon the religion. So where? No. Just thinking. But where we have to utter the name? Where he is saying this? Is it somewhere where he is saying this? Or in the whole Bhagavad Gita we cannot find this? Very good question, he tells me. So what will we give as an answer? We have to become expert, like Maharaj was telling. That one day we have to become a preacher. That is our goal actually, to preach. But from preaching you have to know all the verses. The important verses. Because that is our basic. If you cannot quote the verses, then people will not take you seriously. Like a judge or like a lawyer, we have to quote from the books. We cannot do imaginary. So, where it is stated once again, you are Pandits, you are coming in Maharaj's tradition. No, remember this, okay? This verse, everyone, tomorrow you have to learn, okay? Tomorrow you have to quote. Remember and write it down. Chapter 9. Verse 14. What is Krishna saying? Very clear. Satatam kirtayanto mam yatantas chadridha vrataha namayantas chamam bhaktya nitya yuta upashatu. That is the verse. Satatam kirtayanto mam. My devotee is always chanting my names. Kirtayanto mam.
Yatantas Chadridha Vrata, not only chanting but very determination is there. And he is got Dridha Vrata. He is got a really taking an oath that he will chant the holy name every day. Very determined. That is the quality of a bhakta. Not only that, Namasyanto Chame Bhaktya. And he is offering by obeisances every time. In this way, Nitya Yukta Upasana, he is always engaged in my service. You see? Kirtayanto Ma. Satatam Kirtayanto Ma. Kirtayanto. Kirtayanto means chanting. So where? We have to know. Nam Tattva, where is Nam Tattva in the Bhagavad Gita? 9:14. Okay? Tomorrow you have to learn this. Yes. Verse. Okay? So the other question what arises, what is the gain of holy names to chant? What is that? What is the symptoms? What kind of symptoms will we get from chanting the holy name? It's also a good question. We have to learn how to ask good question. Someone can chant the holy names, but how we can recognize that we are making progress in this holy name? Everything is stated. Everything is stated in the scripture. What are the symptoms if we chant the holy names? How we can check ourselves if we are making progress? The scriptures very nicely explain this, how we have to check ourselves. The first result of holy name, when we are very chanting this holy name, which mood we have to chant this holy name? This first you have to know. In which mood Mahaprabhu has told us to chant the holy name? Tarorapi suhishnana amalmanidena kirtanya sadahi. It's very important. That is the formula. But it's not the result. It is showing how to enter in the name. By be humble as a blade of grass on the street. Why blade of grass on the street? If somebody is putting your leg on grass, what does the grass do? After he's going back, he's coming right again. He's going to do anything. He's tolerating. Be tolerant as a tree. Very difficult. When somebody is accusing me of something, of insulting me, automatically my ahankar is coming. My ahankar is coming and he's talking. From this we cannot chant, we cannot have taste. When we are truly humble, forbearing, and try to be tolerant in every situation, yes, and give respect to everyone and not accept respect back. Give only respect to everyone. Don't expect respect back. Mahaprabhu is telling, very important. By doing this in a humble, very humble way, then we can enter in this holy name. Before that, it's very difficult. Very difficult. So we have to check ourselves. Are we chanting the holy name, but how is my attitude? How much I'm tolerating from everyone. And the test will come. Krishna, you will chant, Hare Krishna, Hare Krishna, oh Krishna, take me, your lap, Krishna, Krishna, bring me to your lotus feet. Krishna says, okay, I will give you some test. I will bring someone who is harassing you. Let me see how you are acting. Like, that is our scripture, like Haridas Thakur, he was Namacharya. Haridas Thakur was Namacharya. Why? Because of Maya Devi came to him. Maya Devi, Krishna was just testing Haridas Thakur. He was testing him. Haridas Thakur was Namacharya. He was Brahmaji in the Leela of Mahaprabhu. And he was chanting 5 lakhs name, that is almost 22 hours in a day. 23. Sorry? 3 lakhs? 5 lakhs? I don't know. But 22 hours in a day. Can you imagine? 22 hours in a day. So Mahaprabhu and Krishna was also testing him. And he got a very difficult test. What kind of test? Maya Devi came in front of him. Maya Devi is very attractive. One of the attractive lustre and body you can see is Maya Devi. Try to distract Haridas Thakur.
But he was not distracted at all. He was giving Maya Devi all his respect and he was chanting. And Maya Devi had to surrender to Haridas Thakur because he cannot, her energy was not influencing Haridas Thakur because he was so powerful. He knew it was a test and he was chanting the holy name with more and more determination. So this test will come. If you are Brahmaji or Haridas Thakur, or they will get tests, so why not us? We will get also our tests. Maya Devi will come in different ways. But the more important thing, it is said, is that the qualities of chanting, so that is the procedure. Trina Api Sunichana is the procedure, how to chant. But what is the result? What is the result of chanting the holy name? The scripture are also giving this. In what kind of mood we have to chant, and if you chant the holy name, what will happen to us? It is very clearly said. So it is said, we will get six qualities. Six things will happen in our heart. First, Klesh Agni. Klesh Agni means that all the bad quality in our heart, from all the previous life, also the bad quality where we get our ahankar and everything, will vanish. Klesh Agni, in a fire sacrifice, everything will go away from our heart. That's the first result. If you are chanting holy name, you will see that you will get more godly qualities. More godly qualities will come in our heart. That's our test. If it's not coming, then we are not chanting properly. Then we have to be more Trina Apichini Sunichana. But when we're doing that, Klesh Agni Subhadha, first, all the bad quality will go away, and then Subhadha will come. All the godly quality will come. This is Mukta Laguta Krit, they said. And when we chanting this name, we will see that Mukta Laguta Krit, they say that we will not be attracted to anything in this material world, even liberation will not be attracted to us. We won't, because most of the people wants mukti, liberation. But when we properly chant this holy name, even mukti, Mukta Laguta Krit, it will not be attracted to us. We don't want mukti. We just want to be engaged in Hari Guru Seva. That is our mood. And it's Sudurlab. Sudurlab means it is also, we will recognize that it is very rare. Everything what we're getting, every mercy what we're getting, every progress what we're making is very rare to find. It is very exclusive. That realization will also come. And from then, when we come on this level, then the nice thing will come. And that is Sandrananda Vishesh Atma. Sandrananda Vishesh Atma means that truly bliss, spiritual bliss will come in our Vishesh Atma, in our soul. Our soul will come and be awakened, and truly, truly blissful, devoted attitude will come to us. And from this devoted attitude, Sri Krishna Karshani, Krishna will be attracted to us. Krishna Karshani, Krishna will totally be attracted to our heart and he will come to us. Chasa, this is the six qualities. So, actually, if you study the scriptures, we will see how exactly how this science of chanting of the holy name is totally described in every details. But we have to understand it. We have to understand and then try to take this and make progress with good understanding what I'm doing. Not only chanting Hare Krishna, Hare Krishna, oh, it doesn't work, okay, tomorrow better day, I will try again, Hare Krishna, Hare Krishna. No. We have to be very, very regulated. We have to be very conscious what I'm doing, what kind of opportunity I'm getting. Sadhus are coming, trying to encourage us. Because they are actually the embodiment of Holy Holy Name. They are, if I see my Siksha Guru, my beloved, he is always chanting. He is always chanting. When he's coming from a program, first thing what he's doing, he's going for a walk, chanting. Every time. He's always chanting, he's always engaged. Always he's got his mala in his hand. He's acharya. He's saying by practice.
He's not only saying theoretically, he is doing this. I'm seeing this. How he is totally engaged in chanting your holy name. That's why he's emphasizing this. So this Nam Tattva is very important. We have to learn all these details. Don't think, oh, I've heard this so much. I've asked you some simple questions and we couldn't give answer. So that is the meaning that we have to listen more carefully and enter in this Nam Tattva. One chakal patro is chakrabhati. Patita nam pavamidhu, vishnamidhu, namo namah. Pran, pran. Bolo. Khade ho ja. हाँ बोलो पांच मिनट बोलो लेकिन हम आपसे सुनना चाहते हैं हाँ मैं तो सुनाऊंगा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण अब ठीक है अच्छा अच्छा हाँ बैठो नहीं नहीं अरे ऐ ऐ ऐसे घूम जा need for the speaker. Need for the speaker. Hare Krishna. English, Hindi, Dutch, Kiswasha. English. 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 First of all, I offer my most humble Dharma Pranam to my beloved Srila Gurudev, Pitrila Purushottam Vishnupada Salvatsya Srila Bhakti Dant Rani Makshwami Maharaj. Secondly, I offer my most humble Dharma Pranam to our whole Guru Varga. And thirdly, I offer my Pranam to all the audience sitting here in this assembly headed by Pujapada Bhakti Dant Srila Maharaj. So Maharaji has requested, ordered me actually, to speak 5 minutes about Nam Tattva. When Maharaj himself is here, I don't know what to speak. Everything I know, Maharaj already taught or will tell. So, but I'll try to keep it short but interesting. You all know Hanuman. And the story yesterday was about how Saket, he was told by Narad Rishi to not do pranam to Vishwamitra. And the essence of the story was that Hari Sabara Hari Kanam, even if you chant the name of Sri Ram, and if Ram shoots arrow to you, even his arrow will be a failure. So to stay in this context, Goswami Tulsidas has written in his Ramcharitmanas, Ulta Nam Japat Jagajana Balimiki Bhai Brahmasama. What's the meaning of this verse? Sri Gurudev told in his Harikatha so many times about Ramayana that one day there was this hunter in the forest and he was shooting his arrows everywhere on the Brahmins, on the forest goers, the animals. He was shooting everybody and killing them all. And one day Narad Rishi, he walked by and he saw this and he was thinking, who is doing all these things? And then he saw this hunter, and he was asking, did you kill all these animals, all these people? He said, yes, yes, I did it. So Narad Rishi asked him, why do you do this? The hunter said, yes, I enjoy it. Okay, Narad Rishi said, okay, I want you to repeat what I'm saying. Say Ram. The hunter, he was looking at Narad Rishi, but he wanted to say Ram, but he couldn't, just like Maharaji told. When very sinful people, when they're asked to chant the name of Bhagwan, they cannot. In the same way, this hunter also could not. Narad Rishi is a pure devotee. He was thinking, how can I help this hunter to chant the holy name even though he can't do now? But then he asked, okay, you have Ram, R-A-M-A. Okay, can you say Mara? And this hunter said, yes, I can say Mara. Okay, then you chant Mara. But if you chant Mara, 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 Ram automatically comes. So this verse, which I refer to, Ulta Nam Jabat Jagajana Balimiki Bhai Brahma Samana, which means that even though chanting the name of Prabhu Sri Ram upside down, backwards, he attained
the salvation of Prabhu Ram, and he even wrote the whole Ramayana. So this shows us that if you can become Valmiki from a hunter, you can also have a good prospect. But the most important thing when you're chanting this holy name, two things: do it under the guidance of a guru, so he can direct you in the right direction, and never criticize. If you criticize this most beautiful holy name, which Sri Krishna has invested all his energy and all his strength, it will go away and will be stand alone with nothing in your hands. So if you chant, please do under the guidance of Srila Gurudev, and please do not criticize. Whatever you do, do not criticize. Hare Krishna. Vancha kalpatru bhishe kripasi bhishe kripasi bhishe. सरसिकला है कहाँ रोटी बना रही ना आपका तैयार कर रहे आपका तैयार कर रहे कितना टाइम हो गया टाइम ना कल नौकरी है ना ठीक कल फिर सुनेंगे ठीक है अभी अभी पूरा तन्नाम रूप चरितादि तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनान ओके केवल एक श्लोक इसलिए एक श्लोक यू आर ट्राई लिसनिंग ओनली वन श्लोक दिस इज द essence of all scripture, okay? Isle tannam rupa charitadi Hare Krishna. Tomorrow again you will be listening. What is the glory of this holy name? Okay? But Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Rama, Rama, Hare. But Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare. हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। देखो एक समय श्रीमन महाप्रभु जब दक्षिणी यात्रा की तुम ट्रांसलेशन कर रहे हो हाँ जब महाप्रभु और दक्षिणी यात्रा में गए कोई एक ब्राह्मण वो ब्राह्मण उनका एक प्रश्न था उनका प्रश्न था साधन किया और जीवन में साध्य किया है साधन और साध्य मतलब जीवन में हम क्या साधन करें जीवन में करे क्या और जीवन का लक्ष्य क्या है जीवन में हम करे क्या और जीवन का लक्ष्य क्या है उन्होंने बड़े बड़े विद्वान को उन्होंने पूछा लेकिन सब लोगों ने कुछ ना कुछ तो आंसर दिया है लेकिन उनको सैटिस्फाई हो नहीं हुए सैटिस्फाइज नहीं हुए अभी वो बड़े चिंता में पड़े हैं बोले भैया जीवन में करनी क्या चाहिए और जीवन का लक्ष्य क्या तो उन्होंने एक स्वप्न देखा उनका स्वप्न में श्रीमन महाप्रभु आए तो महाप्रभु आए बोले देखो कल ये महाप्रभु तुम्हारे पास में आएंगे आप ये प्रश्न उनको करना इसका उत्तर उन्होंने सही सही उसका उत्तर वही देंगे जब ब्राह्मण ने महाप्रभु सचमुच से देखा दूसरे दिन श्री चैतन्य महाप्रभु को तो उन्होंने महाप्रभु का प्रश्न किया बोले प्रभु जीवन में साधन किया है और जीवन का लक्ष्य किया है जब पूछे श्रीमान महाप्रभु ने कहा देखो जीवन में केवल एक ही साधन और कोई साधन जीवन में नहीं वो क्या है हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जीवन में और कोई साधन नहीं जीवन में केवल एक ही साधन है इसलिए जितने अभी बता रहे थे ना हरिदास ठाकुर क्या कर रहे थे दिन में तीन तीन लाख हरिनाम करते थे तीन तीन लाख हरिनाम करते थे महाप्रभु हैं एक लाख अगर हरिनाम करना देखना अगर कोई सोलह माला हरिनाम करता होगा सोलह माला सोलह राम देखना दिन भर करते करते रात तक उसको सोलह माला ही खत्म नहीं होता है अगर कोई सोलह माला राउंड अगर 16 राउंड अगर कोई चैंटिंग करता है देखना वो सवेरे से शुरू करते हैं और रात को सोने से पहले तक भी 16 राउंड पूरे नहीं होता और जो एक लाख हरिनाम करता है समझो जो एक लाख 64 राउंड करता है अगर कोई 64 राउंड कोई हरिनाम करता है देखना कितना समय देखना दिन भर जब करते रहोगे क्यों छह सात घंटा लगेगा दिन भर
अगर कोई तीन तीन बार अगर तिल्ला घृणा करे 64 तब समझो कितना समय नहीं लगेगा है, कितना दिन भर यही करते थे। हनुमान जी क्या करते बताओ, दिन भर क्या करते थे? बोले सुमेरी पवन सोत पावन नाम आपन बस करे राखे राम। इसलिए दिन भर हनुमान को देखो क्या करते हैं, हनुमान कोई काम नहीं करते हैं, केवल एक ही काम करते हैं, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता। दिन भर यही करते हैं हनुमान, जो कुछ नहीं करते दिन भर, तो मजरा लेकर के हनुमान जी रघुपति राघव। अब श्री माता देवी को देखो, माता उनको आठ हाथ देखना, एक हाथ में देखना माला झोली है, माला झोली एक हाथ में, माला झोली महादेव जी। इसलिए कहते गोस्वामी जी कहते हैं महिमा जान जान राघुराई। इसलिए कहते हैं जब पार्वती शंकर जी से प्रश्न किए, बोले प्रभु किसके नाम ग्रहण करनी चाहिए, शंकर स्वयं कहते हैं बोले राम रामेति रमेति रम रमी मनोरमी सहस्र नाम अभिस्तुल्यम श्री राम नाम बरान। इसलिए शंकर जी कहते हैं सुंदरी पार्वती 1000 विष्णु नाम ग्रहण करने से जो फल मिलेगा, एक बार राम नाम से वही फल मिलेगा। तब से माता पार्वती बोले सहस नाम सुनी प्रिय वाणी जपी जई संग प्रिय भवानी। इसलिए शंकर जी पार्वती को इसलिए इतना प्यार करते हैं, क्यों प्यार करते हैं, चूंकि वो भगवान की भक्ति करती है। इसलिए शंकर जी सिखा देते हैं, जानते हो क्या सिखा देते हैं, तभी किसी व्यक्ति को प्रेम करो वो अगर भजन करता है, भजन नहीं करता तो उसके साथ में कोई प्रेम की कोई मतलब नहीं है। इसलिए तभी किसको प्रेम करो अगर वो भगवान की भक्ति कर रहा है, अगर कोई जीवन में भक्ति नहीं करता है ना। इसलिए बोले गोस्वामी तुलसीदास जी है, गोस्वामी तुलसीदास जी को मीरा प्रश्न करती है, क्योंकि मीरा भजन करती थी, मीरा भगवान की भक्ति करती थी दिन भर, लेकिन उसका पूरा परिवार भक्ति से उल्टा है, हैं? पति भी भजन नहीं करता, जेठ भी भजन नहीं करता, सास ननद कोई भक्ति नहीं करता है। इसलिए उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी के पास में लेटर लिखती है, बोले गोस्वामी जी बताओ अभी मुझे क्या करनी चाहिए, क्योंकि कोई भक्ति कर नहीं रहे और भक्ति करने भी दे नहीं दे रहे हैं। अरे सुन रहे हो, ये मीरा प्रश्न कर रही गोस्वामी तुलसीदास जी को। तुलसीदास जी एक लेटर लिखे तो मीरा को पास में लेटर था, बोले जिनके प्रिय ना राम वैदेही तेजी कोटि बैरी समझते भी परम सने। उसका आंसर दे रहे हैं जिनके प्रिय ना राम वैदेही, राम और सीता जिनका प्रिय नहीं है उसको करोड़ों शत्रु मान करके त्याग दो। बस तुलसीदास जी लिख रहे हैं मीरा के पास में, उसको शत्रु मान करके त्याग दो। बोले क्यों, बोले भगवान जीवन हमें क्यों दिया है, 84 लाख जीवन के बाद में भगवान हमें ये मानव शरीर क्यों दिया, केवल एक उद्देश्य है भगवान की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति। इसी जीवन में ही भगवत मिलेगा और कोई चीज जीवन में नहीं। अगर इसी जीवन में भगवान की भजन ही नहीं हुआ और सारा दुनिया को काम को हमने कर डाले, खाए पिए सोए बच्चे जन्म दिए बड़े कर दिया और मर गए, अगर जो जिस काम के लिए प्रभु ने जीवन दिया वही काम नहीं हुआ। कहते तेजी और कोटि वैरी समा, उसको करोड़ों शत्रु मान करके त्याग दो। बोले था कोई प्रमाण है, तो उन्होंने एक एक प्रमाण देते हैं, हैं? एक प्रमाण दिया, प्रहलाद ने अपना पिता को त्याग दिया। उसको पिता बोलता था अरे मैं ही भगवान हूँ, भगवान और कौन होता है, इसलिए मेरे को भजन कर, मैं ही भगवान हूँ। प्रहलाद ने कहा आप भगवान नहीं, भगवान है भगवान, भगवान तुम भगवान नहीं हो सकती हो। इसलिए उन्होंने अपना पिताजी को त्याग दे दिया है। कहते मैया को कहते भरत ने त्याग दिया, जब भरत आया ननिहाल से, सुना राम सीता को माता ने वनवास भेज दिया, बोले अगर भैया राम अगर नाराज नहीं होता ना तेरा शरीर काट देता, लेकिन प्रभु राम नाराज हो जाए किसी तरह शरीर नहीं काट रहा, इसलिए आज से तेरे को कभी मैं माँ नहीं बोलूंगी। उसने भरत जिंदगी में उसको माँ ही नहीं बोली,
कहते गुरु त्याग नहीं देनी चाहिए, गुरु त्याग पाप लगता है, लेकिन बलि महाराज ने गुरु को त्याग दिया। बोले क्यों? गुरु जी ने कहा इनको दान मत दिया करो, कि भगवान ने बोले भैया तू किस चीज की गुरु है? गुरु का काम है ठाकुर का चरण को दर्शन देना, अब तू कह रहे हो भगवान को मत दिया करो, ऐसे गुरु की जरूरत नहीं। इसलिए उन्होंने गुरु का त्याग दे दिया। कहते भाई को किसने त्याग दिया? बोले रावण श्री विभीषण भाई को त्याग दे दिया। बोले क्यों? उन्होंने समझा यार देखो माता सीता जगत जननी स्वयं लक्ष्मी है, हाँ हमारा धर्म नहीं किसी दूसरे स्त्री को उठा करके ले जाना, इसलिए जाओ प्रभु राम को वापस दे दो। इतने में रावण ने लात मारी उसको, हाँ लेकिन विभीषण ने अपना भैया को त्याग दिया। और बोले गोपियों ने, गोपियों ने किसको त्याग दिया? बोले गोपी गोपपति त्यक्त्वा अपना पतियों को त्याग दिया है। क्यों? पति भगवान के भजन में मदद नहीं कर रहे थे। बोले ऐसे पति की कोई जरूरत नहीं जो भगवान के भजन में मदद नहीं करते। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी उदाहरण देते हैं, अगर भगवत भजन में कोई मदद नहीं करते हैं ऐसे संघ को करोड़ों शत्रु मान करके त्याग दो, तभी तुम्हारे कल्याण है। क्यों? ये जीवन भगवान बारम्बार नहीं देंगे, 84 लाख जीवन जीवन के बाद में एक बार ये मानव शरीर हमें मिला है, हैं? अगर इस जीवन में अगर प्रभु की भक्ति नहीं हो पाए फिर जीवन रखकर क्या लाभ है? जीवन से कोई लाभ नहीं है, जी कोई लाभ नहीं। इसलिए भक्ति की अनुकूल में समुची जीव हमें ग्रहण करनी चाहिए, भक्ति के प्रतिकूल हमें त्याग देनी चाहिए, तभी जीवन में हमारी भक्ति बढ़ेगी, नहीं तो भक्ति हमारी बढ़ ही नहीं सकती है, ठीक है ना। इसलिए कहते जो भगवान के नाम का सबके सब दुनिया शंकर जी महामंत्र जय जपत महेशा, दिन रात शंकर जी भगवान के नाम जप करते हैं, इसलिए जगत में उसको उतना ही जगत में महिमा है जो जितने भगवान के भजन किया है, भगवान के नाम जप किया। अगर हम भी मीरा को इतना जगत में क्यों पूजा हो रही है? कारण है भगवान की, मीरा भगवान के नाम में दीवानी बनी। इसलिए महाप्रभु ने जब महाप्रभु का दर्शन हुई, महाप्रभु बोले देखो जो साधन केवल एक ही कलि युग में, और कोई साधन नहीं, क्या है? कलि युग केवल नाम आधारा और सुमिरी सुमिरी नर उतर ही परा। कलि युग में एक ही साधन है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले भैया ये तो साधन हो गया। बोले साध्य किया है? बोले जीवन का गोल किया है? बोले भगवान जो गोल है ना भगवान का नाम है, नाम साधन भगवान का नाम, और साध्य किया लक्ष्य क्या है? बोले भगवान की नाम ही लक्ष्य। क्यों? हरि से बड़ा हरि का नाम, भगवान और भगवान में कोई पार्थक्य नहीं, एक ही है, भगवान और भगवान का नाम एक ही है। इसलिए साधन भी नाम और हमारे गोल भी हरि नाम। क्या बोलो? इसलिए कल हम सुनेंगे ये हरिनाम ही क्यों गोल है हमारा जीवन का, ठीक है? कल ये हरिनाम की महिमा, कल भी कल हरिनाम की महिमा सुनेंगे, ठीक है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। I'm
तेरे सामने मथुरा में देखा Thank you.
समझो गुरुदेव बोलते थे देखो अच्छे तरह से समझो कि भगवान की तीन तरह का गोपियां हैं एक है स्वपक्ष एक विपक्ष और एक तटस्था कितने तरह का होगी तीन तीन तरह का एक स्वपक्ष एक विपक्ष और एक तटस्था इसलिए गुरुदेव का जो भावना है ना कहते राधा ढूंढ रही किसने मेरे श्याम देखो गुरुदेव कहते नहीं राधा ढूंढ नहीं कृष्ण ढूंढते हैं राधा रानी कृष्ण को नहीं ढूंढती है इसलिए क्योंकि जो हम लोग है ना कि जो तीन तरह का जो सखियां हैं कुछ तो होती है कृष्ण का तरफ में जिनको कहती है विपक्ष है जैसे चंद्रावली आती है केवल कृष्ण को मानने वाली ये राधा रानी को नहीं मानती है कुछ होते तटस्थ जैसे कृष्ण को मानते हैं और राधा रानी को मानते हैं ये कौन है और ललिता विशाखा ये सब सखियां ये दोनों को मानते हैं कृष्ण और राधा रानी लेकिन राधा रानी को ज्यादा थोड़ी सी लेकिन एक तरह का सखी होती है जो सपक्ष मतलब जो केवल राधा जी को ही मानते हैं कृष्ण के तरफ नहीं अगर राधा कृष्ण में अगर कभी पासा खेल हो ना अगर कृष्ण जीत जाए तो ये दुखी हो जाती है अगर राधा रानी अगर जीत जाए ना बस ताली बजाने लगी जाती है सब ताली बजा देते हैं बोले क्यों बोले राधा जी की सुख में सुखी राधा जी की दुख में दुखी है इसलिए हम लोग किसकी पक्ष में है श्री राधा जी की पक्ष में इसलिए गुरु जी कहते थे राधा जी की पक्ष जो गोपियां हैं वो कभी भी राधे ढूंढ रहे किसने मेरे श्याम नहीं बोले श्याम ढूंढ रहे किसने मेरे राधा देखो है ना उसको बदला देना इस भजन को बदला देना इसलिए श्याम ढूंढ रहे किसने मेरे राधा देखा इसलिए हम राधा रानी को है हम ये सोचते हैं कृष्ण ढूंढे राधा रानी को राधा रानी कृष्ण को नहीं ढूंढे ठीक है ना बोले श्री राधा रानी ठाकुर जी की आरती करेंगे कौन आरती करेंगे आरती करो